गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, उत्तर प्रदेश राजस्व टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। शिक्षार्थियों, आज मैं आपको MAEC 105 के इकोनॉमिक्स थ्योरी सेकेंड पेपर में यूनिट 3 के विषय में आपको कुछ बताने का प्रयास करूंगा। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यह सिद्धांत किसी एक व्यक्तिगत अर्थशास्त्रियों द्वारा नहीं दिया गया। यह सिद्धांत एक ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट, एक अर्थशास्त्रियों के एक समूह द्वारा दिया गया। उसमें मुख्य नाम आपके रिकार्डो हैं, एडम स्मिथ, पीगू, मार्शल, जेबी से, इन सबों ने मिलकर एक विचारधारा दी। इस सब को क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत हम रखते हैं। इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल इकोनॉमिस्टों में, जैसा कि मैं अभी आपको बताया हूँ, एडम स्मिथ, रिकार्डो, एजवर्थ, पेरेटो, जेबी से, मार्शल एट्सेट्रा, ये सब आते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस इकोनॉमिस्ट, देयर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमिक्स। इस सिद्धांत में इन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अर्थव्यवस्था में पूरी तरह जो है रोजगार रहता है, अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति रहती है। द क्लासिकल बिलीव इन लेजर फेयर इकोनॉमी। ये जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, ये कहते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, यह लेजर फेयर इकोनॉमी हस्तक्षेप की नीति के आधार पर है। ये है मीन्स ए फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी, एक स्वतंत्र हस्तक्षेप, अर्थात किसी राज्य का या किसी का इसमें हस्तक्षेप नहीं रहता है। फुल एम्प्लॉयमेंट के विषय में जो बातें कही गई हैं, मुख्य वह बिंदुवार हम आपको बता रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, अर्थात अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है। फुल एम्प्लॉयमेंट वाज ए नॉर्मल सिचुएशन एंड डेविएशन फ्रॉम द रिगार्ड एज सम एबनॉर्मल, अर्थात अर्थव्यवस्था में पूर्णतः रोजगार रहता है। कुछ ऐसी विशेष स्थितियाँ आ जाती हैं जबकि कुछ समय के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो है बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यह शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, अर्थात अल्पकाल के लिए ही बेरोजगारी रहेगी। इफ़ देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, इट विल बी फॉर शॉर्ट पीरियड, अर्थात अल्पकाल के लिए यह बेरोजगारी रहेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक शक्तियाँ जो हैं अर्थव्यवस्था में अपने आप को फुल एम्प्लॉयड कर लेंगी। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स डिमांड फॉर लेबर इज लेस देन इट्स सप्लाई, एज ए रिजल्ट वेज विल फॉल एंड डिमांड फॉर लेबर विल राइज। का मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में जो ये डिमांड फॉर लेबर इज लेस देन सप्लाई, पूर्ति की तुलना में हमारी डिमांड जो है कम रहती है, ऐसी स्थिति में हम वेज विल फॉल एंड डिमांड फॉर लेबर विल राइज, हम मजदूरी दर को घटा के एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा देते हैं, अर्थात लेबर की जो डिमांड है इसको हम बढ़ा देते हैं। इसमें हम आपको आगे बताएंगे कि ये जो सिद्धांत है, इसमें जो पीगू का वेज कट थ्योरी है, पीगू का वेज कट थ्योरी जो है, यह पीगू का वेज कट सिद्धांत जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बेरोजगारी आती है उसको दूर करने के लिए हम मजदूरी दर में कटौती करके हम रोजगार को बढ़ाते हैं, ठीक। इट विल राइज टिल डिमांड फॉर लेबर बिकम्स इक्वल टू सप्लाई, ये तब तक इस प्रक्रिया को हम करते हैं जब तक कि सप्लाई और डिमांड इक्वल बराबर नहीं हो जाता, और यह स्थिति देयर विल बी फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी देन, और तब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से रोजगार बना रहता है। एजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी। इस सिद्धांत की मान्यताएँ क्या हैं? आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी सिद्धांत डेवलप होता है वह किसी मान्यताओं के तहत होता है, कि किन मान्यताओं के तहत ये सिद्धांत हमारा लागू होगा। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट में ये जो मान्यताएं हैं, ये मैं बिंदुवार आपको बता रहा हूँ। द क्वांटिटी ऑफ मनी इज गिवेन, इसमें मुद्रा की मात्रा दी गई होती है। देयर इज अ डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन मनी वेज एंड रियल वेज, अर्थात मनी वेज जो है मुद्रा दर, मुद्रा मजदूरी दर और जो वास्तविक मजदूरी है वह है क्या, डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल, वह प्रत्यक्ष और
ये संबंधित होती है। टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी इज डिवाइडेड बिटवीन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिक्चर, अर्थात जो हमारी आय होती है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है हमारा उपभोग, दूसरा है इन्वेस्टमेंट। इस सिद्धांत में बचत का कांसेप्ट मुख्य रूप से नहीं आता। क्यों नहीं आता बचत का कांसेप्ट? बचत का कांसेप्ट इसलिए नहीं आता कि इस इकोनॉमी को हमेशा हम एक बैलेंस्ड इकोनॉमी करते हैं। जब बैलेंस्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, नो ओवर प्रोडक्शन की बात करते हैं कि कोई अधिक उत्पादन भी नहीं होगा, अर्थात जो हमारी आय होगी वह टोटल क्या होगी, कंज्यूम कर ली जाएगी, उपभोग कर ली जाएगी, और उसमें से एक भाग को हम इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखा सकते हैं, या यूँ हम कह सकते हैं कि जो बचत होता है वह हम व्यय करते हैं इन्वेस्टमेंट पर, वह भी एक तरह से व्यय ही होता है। तो द टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी इज डिवाइडेड बिटवीन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, जो हमारी आय होती है वह हमारे उपभोग और विनियोग में जो है बांट दी जाती है। लेबर इज होमोजीनियस, जो हमारा मजदूर है वह हमारा मजदूर समान श्रेणी का है, उसमें जो है कोई स्पेशल या स्किल्ड वाली बात नहीं आती है। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैं आपको अभी बताया हूँ कि इसमें सेविंग का कांसेप्ट मुख्य रूप से इसलिए शुरू में नहीं आता क्योंकि हम यहाँ पर बैलेंस्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, कोई यदि शेष नहीं होगा, कोई सरप्लस नहीं होगा, और यदि हम मानते हैं कि कुछ हमको कंजम्पशन करने के बाद बचता है जो हम सेविंग का नाम देते हैं, लेकिन वह मूल रूप से होता है हमारा कि हम विनियोग व्यय, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इसी सेंस में हम कहते हैं कि जो हमारा कुछ सेविंग होगा वह हमारा क्या होगा, वो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। इसीलिए आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो एक इक्वेशन आता है वाई इक्वल टू सी प्लस एस, जो यस इसमें होता है वह इक्वल टू आई के बराबर हो जाता है आगे जाके, यस इक्वल टू आई। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इन एप्लीकेबल इन एग्रीकल्चर सेक्टर, अर्थात ह्रासमान नियम, जो कृषि क्षेत्र है उसमें ये ह्रासमान नियम लागू होता है। वेज प्राइस फिक्सिबिलिटी, अभी मैं आपको बताया पीगू से रिलेटेड कि पीगू का मजदूरी कटौती दर सिद्धांत उसी से रिलेटेड है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव इन फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वह है फुल एम्प्लॉयमेंट स्थिति, पूर्ण रोजगार स्थिति की बात करते हैं। इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ए जनरल वेज कट इन मनी वेज वुड टेक द इकोनॉमी टू द फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, अर्थात इन एनी केस शॉर्ट टाइम के लिए यदि बेरोजगारी आती है तो वेज कट के द्वारा, अर्थात हम मजदूरी के दर में कटौती करके हम रोजगार की संख्या को हम बढ़ाते हैं और इकोनॉमी हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में आ जाती है। लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम, लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर इज फंक्शन ऑफ वेज रेट, ये मजदूरी दर के अकॉर्डिंग हमारा ये मजदूरों की मांग और पूर्ति डिपेंड करती है। जब हम वेज रेट को बढ़ा देते हैं तो निश्चित रूप से सप्लाई बढ़ना तय है, ऐसी स्थिति में डिमांड हमारी कम हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम करने के लिए हम कि डिमांड और सप्लाई हमारी बराबर रहे, ये डिपेंड करता है कि फंक्शन ऑफ वेज रेट, डिमांड फॉर लेबर इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ वेज रेट, जैसा कि अभी मैं आपको बताया कि डिमांड फॉर लेबर इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ वेज रेट। जब वेज रेट हमारा कम हो जाएगा निश्चित रूप से हमारी मजदूरी की मांग कम हो जाती है। सप्लाई ऑफ लेबर इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ वेज रेट, जब मजदूरी दर को हम बढ़ा देते हैं तो निश्चित रूप से सप्लाई हमारी बढ़ जाती है, लेबर की सप्लाई बढ़ जाती है। ये जो डायग्राम है यह डायग्राम इसी पे डिपेंड करता है कि जो हमारा एक्स एक्सिस, इस पर हम एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, रोजगार लेते हैं, जो हमारा ये वाई एक्सिस है उस पर हम रियल वेज, वास्तविक मजदूरी हम लेते हैं। इस पर हम यदि देखें पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हमारा जो है एनएफ, ये फुल एम्प्लॉयमेंट स्तर, ये जो हमारे इक्विलिब्रियम पे है, यहाँ पर मजदूरी दर ओ से लेकर हम इस पॉइंट पर डब्ल्यू बाई पी जीरो पे लेते हैं, मजदूरी दर हमारी ओ से डब्ल्यू बाई पी जीरो है। इस स्थिति में हम फुल एम्प्लॉयमेंट में हैं, एम्प्लॉयमेंट की स्थिति हमारी पूरी है। मान लीजिए कि मजदूरी दर को हम बढ़ा देते हैं, मजदूरी दर बढ़ा के ओ डब्ल्यू बाई पी वन कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब हम मजदूरी दर को बढ़ाते हैं तो हमारा जो डिमांड है ये देखते हैं डी एक्स, ये हमारा यस,
सप्लाई ऑफ लेबर है, ये हमारा डिमांड है लेबर का, तो निश्चित रूप से मजदूरी दर के बढ़ जाने से मांग में, किसके मांग में, मजदूरों के मांग में कमी आ जाती है, जो हम डिमांड फॉर लेबर करते हैं वो कम आ जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब वेज रेट बढ़ा होता है तो निश्चित रूप से सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है कि जब हमारी मजदूरी दर ज़्यादा होगी तो सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहेंगे कि हमको काम मिले, तो सप्लाई की स्थिति हमारी इस यस पॉइंट पर आ जाता है। और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट की हमारी सप्लाई जो है हमारा, अब इस सेंस में देखें तो WP1 से यस तक है, और डिमांड कितनी है, हमारी मांग कितनी है, W/P1 से लेके D तक है, अर्थात जो DS का पोर्शन है यह अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी इतने पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि वेज रेट हमारा रियल वेज रेट हाई हो जाता है। इसको जब हम दूसरे वे में देखते हैं कि जब हमारी मजदूरी दर OW/P2 है, अर्थात मजदूरी दर को हम कम कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा सप्लाई कम हो जाता है, सप्लाई हमारा W/P2 S1 के बराबर, इस एरिए के बराबर में हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब मजदूरी दर कम हो जाती है तो निश्चित रूप से डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। जब मजदूरी की कीमत, मजदूरी दर कम हो जाती है तो मांग बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में मांग जो है W/P2 से D1 तक हो जाती है, क्योंकि कम दर पर हमको ज़्यादा डिमांड, लोग ज़्यादा मांग करेंगे मजदूरों की काम करवाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में ये पोर्शन S1 D1 के बीच का जो पोर्शन है ये एक्सेस डिमांड हो जाता है, ये एक्सेस डिमांड हो जाता है। पहली वाली स्थिति अनएम्प्लॉयमेंट की थी, नीचे वाली स्थिति जो है W/P2 रेट पे जब हम देखते हैं तो हमारा एक्सेस डिमांड हो जाता है। अब क्लासिकल इकोनॉमिस्टों का मानना है कि वेज कट के द्वारा या वेज मजदूरी दर के द्वारा एडजस्टमेंट हम करते हैं क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसी स्थिति में, इस स्थिति में जब W/P2 है, मजदूरी दर को बढ़ा के W/P0 पे ले जाते हैं, या यूँ कहें हम कि जब हमारी मजदूरी दर OW/P1 है, अर्थात ज़्यादा है, उसको हम घटा के W/P0 पे ले आते हैं। और यह पोजीशन जो ई है, डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट किया है ई पॉइंट पर, यह हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, जिसको हम मजदूरी दर के द्वारा हम निर्धारित करते हैं। इसको पीगू ने बताया है, पीगू का मजदूरी कटौती सिद्धांत इसी बेस पे है। गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, सेविंग इक्वल्स इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो कंजम्पशन करने के बाद, कंज्यूम करने के बाद जो हमारी आय होती है, उसको कंज्यूम करने के बाद जो कुछ बचता है वो हमारा इन्वेस्टमेंट में चला जाता है, अर्थात सेविंग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में हो जाती है, खर्च किया जाता है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट अर्थात ब्याज दर पर निर्भर करता है। क्लासिकल इकोनॉमिस्टों का मानना है कि यह बचत और विनिवेश यह डिपेंड करता है ब्याज दर पर, अर्थात जब ब्याज दर ज़्यादा होगी तो सेविंग हम ज़्यादा करेंगे, जब ब्याज दर कम होगी तो सेविंग कम करते हैं। इफ इंटरेस्ट रेट इज हाई देयर विल बी मोर सेविंग एंड लेस इन्वेस्टमेंट, अर्थात जब ब्याज दर हमारी ज़्यादा होगी तो लोग कम विनियोग करना चाहेंगे, क्योंकि ब्याज दर उनको ज़्यादा देना पड़ेगा, उनकी जो है ये पूंजीगत लागत आती है वो ज़्यादा आ जाती है। और सेविंग इसलिए लोग ज़्यादा करते हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो उनको ब्याज के रूप में ज़्यादा पैसा मिलता है। कि यहाँ सेविंग इक्वल्स इन्वेस्टमेंट, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं वह रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा इसको सेम इक्वल पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं। इक्विलिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यह फिगर के द्वारा है आपका, जो हमारा OX एक्सिस है इस पर हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, और जो हमारा Y एक्सिस है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को हम डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं कि हमारा लेफ्ट टू राइट ये हमारा यस जो है सेविंग है लाइन, और इन्वेस्टमेंट ये लेफ्ट टू राइट डाउन स्लोप है, ये अपवर्ड स्लोप है, ये डाउनवर्ड स्लोप है। यह स्लोप जो है हमको इंडिकेट करता है कि रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या है, अर्थात जो हमारा ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है
ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ है सेविंग, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ धनात्मक संबंध है, इसको मैं अभी आपको आगे और बताता हूँ। और जो हमारा ये लेफ्ट टू राइट डाउन स्लोप है इन्वेस्टमेंट, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, अर्थात जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट कम होता है, अर्थात विपरीत संबंध होता है। और जो हमारा सेविंग है इसके साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट का धनात्मक संबंध है, अर्थात जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा इस तरह से हमारी सेविंग बढ़ेगी, जो कि हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं। तो ये आर वन हम माने कि ओ आर वन ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ओ आर वन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमारी सेविंग जो है इस बिंदु पर चली गई और इन्वेस्टमेंट देखिए कम हो गया, यहाँ पे पहुँचा है। अब दूसरी स्थिति हम देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करके आर टू पर देखते हैं, जब वो आर टू हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ऐसी स्थिति में सेविंग कम हो गई है, सेविंग आर टू से इस पॉइंट पर है और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वह बढ़ गया है, इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ गया है। तो ऐसी स्थिति में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो हमारा एक्स सेविंग सेविंग हमारी ज़्यादा हो जाती है, जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है ऐसी स्थिति में हमारा एक्सेस इन्वेस्टमेंट होता है। अब यहाँ स्थिति आती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को निर्धारित करते हैं, तो आर पोजीशन, ओ आर पोजीशन ऐसी पोजीशन है जिस स्थिति में हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इंडिकेट कर सकते हैं, अर्थात ओ एम सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो शो करता है यह ई बिंदु पर है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ओ आर है, अर्थात हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेविंग और इन्वेस्टमेंट को निर्धारित कर। अब मैं आपको क्लासिकल मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इक्वेशन के थ्रू, जो ये सामान्य रूप से इक्वेशन होता है उसके आधार पर बताऊंगा। ये जो पहला है वाइस इक्वल टू फंक्शन ऑफ के, यानी प्रोडक्शन फंक्शन है हमारा उत्पादन फलन है। जो सेकेंड है एस एल इक्वल टू फंक्शन ऑफ डब्ल्यू बाई पी, सप्लाई ऑफ लेबर है ये, यह हमारा सप्लाई ऑफ लेबर शो करेगा। डी एल इक्वल टू फंक्शन ऑफ डब्ल्यू बाई पी, डिमांड फॉर लेबर, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ये हमारा सप्लाई ऑफ लेबर डिमांड ऑफ लेबर ये दोनों सेम बराबर होगा। उसके बाद हमारा ये देखिए ये यस इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर, सेविंग फंक्शन है, यह रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, अर्थात आर का और एस के साथ जो है हमारा समानुपाती संबंध होता है, अर्थात आर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हमारी जो है बचत बढ़ती है। I इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वन बाई आर, अर्थात इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, ये दोनों बराबर होगा किसके थ्रू, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू बराबर होगा। S इज इक्वल टू आई इक्विलिब्रियम इन कैपिटल मार्केट, अर्थात पूंजी बाजार में रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा हम S और I को हम बराबर करते हैं। और ये लेबर मार्केट में एस एल इज इक्वल टू जो फोर्थ इक्वेशन है हमारा, एस एल इज इक्वल टू डी एल इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट, और एम बी बराबर पी टी आर पी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एम मनी मार्केट, यहाँ पर मनी को हम सिर्फ माध्यम के रूप में यूज करते हैं और ये हम जानते हैं कि एम बी इज इक्वल टू पी टी जो हमारा ये इक्वेशन है इसमें ये है मनी मार्केट में क्वांटिटी ऑफ मनी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे प्राइस लेवल हमारा ऊपर उठता चला जाता है। इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा अभी जैसे अभी इक्वेशंस जो मैंने आपको दिखाया वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के एन, डी एल इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ डब्ल्यू बाई पी, एस एल इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ डब्ल्यू बाई पी, ये हमारा जो है मजदूरी दर के द्वारा कैसे हम डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर को एडजस्टमेंट करते हैं वो है ये हमारा डी एल इज इक्वल टू एस एल, अर्थात हमारा ये जो होता है सप्लाई ऑफ लेबर और डिमांड ऑफ लेबर ये बराबर होगा किसके थ्रू निर्धारित किया जाएगा, मजदूरी दर के द्वारा ये निर्धारित किया जाएगा। ये अब हमारा एक डिसीजन ऑफ क्लासिकल थीरी सेज लाइज वीक, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो क्लासिकल थीरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इसके जो मुख्य दो अर्थशास्त्री हैं वह जेबीसे और पीगू हैं। जेबीसे ने इसमें बताया है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, अर्थात पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में नो एनी ओवर प्रोडक्शन, अधि उत्पादन की कोई संभावना नहीं रहती है, फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है। इसमें जो है ये क्रिटिसिज्म में है, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं जो ये मान्यताओं के विषय में हम लोगों ने अभी पढ़ा है वह मान्यताओं के आधार पर ही हम ये क्रिटिसाइज करते हैं क्लासिकल थीरी को, क्लासिकल थीरी को इसी के आधार पर हम
क्रिटिसाइज करते हैं, और इसमें मुख्यतः जो सेज हैं ये कहते हैं, इनका बड़ा फेमस है सेज लॉ ऑफ मार्केट, सिका बाजार का नियम, कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, अर्थात सप्लाई बेस्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। और पीगू महोदय कहते हैं कि मजदूरी दर में कटौती के द्वारा हम फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति मेंटेन किए रहते हैं, अर्थात इसमें जो है अल्पकाल के लिए कुछ यदि बेरोजगार हो जाते हैं तो इनको हम रोजगार में रख देते हैं। इसमें जो है ऐच्छिक रूप से जो रोजगार होते हैं, अर्थात जिनके पास इतना आय है, इतना पैसा है कि वह रोजगार नहीं चाहते कि हमको नौकरी या हमको कोई काम नहीं करना है, ऐसे लोगों की गणना इसमें अर्थात क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं की जाती है। तो जो क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी है, इस आधार पर मैं आपको ये एक्सप्लेन भी करता चलूँगा कि इसके सेंस में क्या क्या अर्थशास्त्रियों ने बताया है। सेज लाइज वीक, अर्थात जो से कहते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यह गलत है, यह धारणा गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि किसी भी इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन निश्चित रूप से होगा, जैसे कि क्लासिकल थ्योरी में कहते हैं कि ओवर प्रोडक्शन होगा भी तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगा, और ऑटोमेटिक शक्तियाँ एक सेल्फ एडजस्टमेंट स्थिति बना लेती हैं, जो ऑटोमेटिक शक्तियाँ हैं उसको ये सेल्फ एडजस्टमेंट कर लेती हैं। जबकि इसकी जो क्रिटिसिज्म आलोचना की गई है, इसमें कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ओवर प्रोडक्शन ना हो, किसी भी इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन होगा। एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय द जनरल मनी वेज कट, अर्थात पीगू ने जो कहा है कि मजदूरी कटौती के द्वारा हम फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति मेंटेन किएंगे, ये भी गलत साबित किया गया है। इसमें यह था कि जैसे जब मजदूरी दर में हम कटौती कर देते हैं तो हमारी आय कम हो जाएगी, जब हमारी आय कम होगी तो मेरी डिमांड कम होगी, ये जो क्रमशः एक साइकिल चलेगा एट लास्ट जाके हमारी इनकम को कम कर देगा, डिमांड कम हो जाएगी, तो वेज कट के द्वारा एम्प्लॉयमेंट को हम नहीं बढ़ा सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्लासिकल थ्योरी में ये कहा गया है कि फुल रोजगार, पूर्ण रोजगार पर हम स्थिति मेंटेन करते हैं, जबकि पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यदि अर्थव्यवस्था में संतुलन होता है तो उसकी संभावना हमको फुल एम्प्लॉयमेंट से थोड़ा पहले की स्थिति में भी हो सकती है। मैं आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा जो किन्स का मॉडल है, किन्स का एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में किन्स का क्या कहना है। एब्सेंस ऑफ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, ओवर प्रोडक्शन के मामले में कहा गया है कि ऑटोमेटिक शक्तियाँ हैं जो अपने आप को बैलेंस करती हैं, आलोचना में कहा गया है कि ऑटोमेटिक कोई शक्ति नहीं है जो इसको बैलेंस स्थिति में रखे। मनी इज नॉट मेरली वेल, मुद्रा को ये माध्यम सिर्फ माने हैं, आवरण के रूप में माने हैं, जबकि आलोचना में किन्सियन इकोनॉमिस्ट और इकोनॉमिस्टों ने जो इनकी आलोचना की इसमें इसको ये नहीं माने हैं। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर नॉट इंटरेस्ट लास्टिक, अर्थात ब्याज के लोचशीलता की वजह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जो स्थिति सामान संतुलन बराबर की आती है, एस इक्वल टू वाई, इनको नकार दिया गया है। रिजेक्शन ऑफ लेजर फेयर पॉलिसी, हस्तक्षेप की नीति को भी रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था हो कुछ न कुछ उसमें इंटरफेयर गवर्नमेंट का होता है, उस राज्य का इंटरफेयर निश्चित रूप से होता है। इट इग्नोर्स प्रॉब्लम्स ऑफ शॉर्ट पीरियड, क्लासिकल इकोनॉमिस्टों का मानना है कि कोई भी समस्या आती है तो हम शॉर्ट पीरियड में ही हम इसको निपटा देंगे, जबकि यह इग्नोर किया गया है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं ह्यूज लेवल पर, जैसे ओवर प्रोडक्शन हुआ, बेरोजगारी हो गई, तो हम शॉर्ट पीरियड में अर्थात अल्पकाल में इसको दूर नहीं कर सकते। नॉट बेस्ड ऑन एम्पिरिकल फैक्ट, यह हमारे प्रयोगात्मक अवधारणा नहीं, अर्थात ये कहा गया है कि क्लासिकल थ्योरी है, यह हमको सैद्धांतिक रूप में हम इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको हम प्रयोग में नहीं ले आ सकते हैं। ये तब हमको वास्तव रूप में पता चला है जब 1930 में महामंदी आई। क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी, जॉन एम किन्स इन जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इसमें मुख्य रूप से क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की आलोचना जे एम किन्स महोदय ने किया। उन्होंने 1936 में जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी एक किताब छापी, और उस किताब में इन्होंने क्लासिकल थ्योरी की आलोचना की, और इसके पीछे का कारण यह था कि 1930 में जो महामंदी आई थी, उस महामंदी में यह सिद्धांत कारगर साबित नहीं हुआ। पूरी इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड की जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी वह पूरी कोलैप्स हो गई। ऐसी स्थिति में इस सिद्धांत में किन्स महोदय ने
अपना जो व्यू दिया है आलोचना के रूप में, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें किस ने कहा है, सप्लाई डज नॉट क्रिएट इट्स डिमांड, अर्थात पूर्ति अपनी मांग का सृजन नहीं करती है। सेल्फ एडजस्टमेंट इज नॉट पॉसिबल, जैसे मैं आपको पहले बताया कि ओवर प्रोडक्शन की स्थिति होती है या शॉर्ट टाइम पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो कुछ शक्तियाँ सेल्फ एडजस्ट कर लेती हैं अपने आप को इकोनॉमी में और सब कुछ एक संतुलन की स्थिति में होता है। मनी इज नॉट न्यूट्रल, मनी को जैसे माना गया है इसमें ये तटस्थ है और मनी को सिर्फ मीडियम मानते हैं हम एक्सचेंज का, इन्होंने इनकार दिया। ओवर प्रोडक्शन इज पॉसिबल, अधि उत्पादन अर्थव्यवस्था में अधि उत्पादन होता है। नीड ऑफ स्टेट इंटरवेंशन, नीड ऑफ स्टेट इंटरवेंशन, जैसे अहस्तक्षेप की नीति को क्लासिकल थ्योरी वालों ने माना है, इकोनॉमिस्टों ने कहा है कि अहस्तक्षेप की नीति की अर्थव्यवस्था में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। कीन्स महोदय का कहना है कि अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप हमारे राज्यों का होता है, होना भी चाहिए। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी थ्रू इनकम, क्लासिकल थ्योरी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट के बदौलत एक संतुलन की स्थिति में रखने का प्रयास किया गया है, जबकि कीन्स का कहना है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट आय के माध्यम से हम इनको आगे देखते हैं, इक्वल करते हैं। वेज कट इज नॉट फेवरेबल, मजदूरी कटौती के द्वारा हम रोजगार को नहीं बढ़ा सकते। क्यों? मजदूरी दर में जब हम कटौती करेंगे तो हमारी आय कम हो जाएगी, जब हमारी आय कम होगी तो हमारी मांग कम होगी, जब हमारी मांग कम होगी तो उत्पादन ऊपर, प्रोडक्शन जो उत्पादन करता है वो उत्पादन कम कर देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, कोई भी अर्थव्यवस्था हो उसमें 100% एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकता। किस महोदय का मानना है कि कुछ न कुछ बेरोजगारी की स्थिति मेंटेन रहती है, बनी रहती है। इक्विलिब्रियम लेवल नॉट ऑलवेज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, मैं आपको पहले बताया कि क्लासिकल थ्योरी के सिद्धांत में ये कहा गया है कि संतुलन की अवस्था वो हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर रहेगी, जबकि ऐसा नहीं है। पूर्ण रोजगार की अवस्था पर संतुलन नहीं रहेगा, उसके कुछ पहले भी हो सकता है, जैसा कि किन्स ने अपने सिद्धांत में, जो किन्स ने अपना एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट का सिद्धांत दिया है उसमें इक्विलिब्रियम को एक पूर्ण रोजगार से पहले की स्थिति पे थोड़ा सा माना है, जहाँ एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड को हम इंटरसेक्ट करते हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज अप्लीकेबल इन लॉन्ग रन, क्लासिकल थ्योरी में कहा गया है कि शॉर्ट टाइम पीरियड के बीच में हम पूरी इकोनॉमी को एडजस्टमेंट कर लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है, लॉन्ग टाइम की जरूरत पड़ती है। एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट आर नॉट फंक्शन ऑफ वेज रेट, एम्प्लॉयमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव डिमांड। यहाँ पर कीन्स ने बताया है कि एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट जो है यह मजदूरी दर के द्वारा हम एडजस्ट नहीं कर सकते, अर्थात मजदूरी दर में कटौती के द्वारा न तो हम रोजगार को बढ़ा सकते हैं न तो हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जो है यह इफेक्टिव डिमांड का फलन होता है, अर्थात जो समर्थ मांग है उसके आधार पर हम रोजगार को बढ़ा सकते हैं। जब हम आगे कीन्स का सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें हम ये पढ़ते हैं कि इफेक्टिव डिमांड, समर्थ मांग के आधार पर ही किसी भी अर्थव्यवस्था में हम रोजगार को बढ़ाएंगे। वह समर्थ मांग की स्थिति एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के आधार पर हम निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको कीन्स का रोजगार का सिद्धांत पढ़ाएंगे। धन्यवाद।